300 ये मेरे अकाउंट से पैसे निकले हैं। 80 लोग साइबर क्राइम से इफेक्ट हुए हैं हर मिनट। इन अकाउंट नंबर को जरा गौर से देख लीजिए, हो सकता है इनमें से कुछ डिटेल्स आपके बैंक अकाउंट की भी हो। ऐसी जानकारियां जिनके जरिए कोई भी न सिर्फ आपके बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकता है, बल्कि आपके नाम का एटीएम कार्ड भी क्लोन कर उसे ऑनलाइन या रियल टाइम शॉपिंग कर सकता है। ये खतरा इतना बड़ा है कि आपका अकाउंट ही नहीं, आपका नाम, आपकी पहचान तक चोरी हो सकती है। करीब $8 बिलियन का फाइनेंशियल लॉस लास्ट ईयर इंडिया को हुआ है, लोगों को हुआ है कंबाइंड। राइज ऑफ न्यू अंडरवर्ल्ड, जी हां, अब एक नए तरह का अंडरवर्ल्ड सर उठा रहा है जो ना तो हथियारों का इस्तेमाल करता है और ना ही धमकी भरे फोन करता है। यह कैसा अंडरवर्ल्ड है जो सीधे आपके घरों में आपके कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप पर सेंध लगाता है। मैं नवीन कुमार आपको बताऊंगा कि यह चंद मिनटों में आपको कैसे बना देता है कंगाल। देश में इंटरनेट यूजर्स का आंकड़ा करोड़ों में है। लोग अपने सोशल नेटवर्किंग से लेकर बैंकिंग तक हर काम इंटरनेट के जरिए कर रहे हैं। नोएडा के बिजनेसमैन रमेश भी अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेट पर ईमेल का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने परचेज के लिए दूसरे व्यापारी से इंटरनेट पर ही तमाम बातचीत की और बातचीत के अंत में दूसरे व्यापारी से उसका अकाउंट नंबर ईमेल से मांगा। लेकिन वो शख्स नहीं जानता था कि उसकी हर हरकत पर कोई हैकर नजर रख रहा था। पता नहीं कैसे ये मेरे अकाउंट को हैक किया गया और उसके बाद में लगातार उसमें से पैसे निकले और देख के मैं हैरान हो गया कि मेरे करीब इसमें 1,70,00,000 रुपए होने चाहिए थे, उसमें से सिर्फ 2,00,000 रुपए बचे हुए हैं। रमेश जैसे हजारों लोग हैं जो ऐसे इंटरनेट फ्रॉड का शिकार होकर अपनी सारी जमा पूंजी गंवा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड काम करता है तो कैसे करता है, कैसे लोगों की जानकारियां चुराता है और उनका ईमेल और पासवर्ड ही नहीं बल्कि उनके सारे बैंक अकाउंट्स भी खाली कर देता है। क्राइम फाइल्स की टीम ऐसे ही एक शख्स से मिली जिसकी शुरुआती जानकारी ही हमको परेशान कर गई। कंप्यूटर ही नहीं, मोबाइल पर भी उसकी उंगलियां बेहद तेज चलती हैं। वो चंद मिनटों में किसी के भी अकाउंट की जानकारी हैक कर सकता है। इंटरनेट के अंडरवर्ल्ड पर रिसर्च करने वाले इस शख्स ने जब क्राइम फाइल्स की टीम से पहली मुलाकात की तो हमें भी पहले झटका ही लग गया। इस शख्स ने हमें उसी समय डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाया। कंपनी जो है लावा का मैन्युफैक्चर कंपनी है जो इस फोन यूज करती है। बिना फोन मेरे को दिखाया, आप कंफर्म कीजिएगा ये चीज। और ये आयरिस वर्जन है फोन का। आप सही कह रहे हैं। इस शख्स ने हमारे मोबाइल की सारी जानकारियां हमको बता दी। यही नहीं, इसने हमारे मोबाइल फोन से फोन कॉल करने का दावा भी किया। मोबाइल हैकिंग के बारे में सारी जानकारियां आपको बताएंगे, लेकिन किस प्रकार से इंटरनेट पर ईमेल और अकाउंट हैक किए जाते हैं जरा ये देख लीजिए। हर पल घर की चार दीवारी में खुद को सुरक्षित महसूस करते हुए आप जो कंप्यूटर और लैपटॉप पर काम करते हैं उसे आप भले ही प्राइवेट या सेफ समझें, लेकिन हकीकत कुछ और है। इंटरनेट पर वेबसाइट्स के साथ कई ऐसे हिडन एप्लीकेशन चलने शुरू हो जाते हैं जो ये जानकारी भी हैकर्स तक पहुंचा देते हैं कि आप इंटरनेट पर क्या टाइप कर रही हैं। हैकिंग के सीक्रेट जानने के लिए हम हैकिंग कम्युनिटी पर नजर रखने वाले सिक्योरिटी एक्सपर्ट से मिले जिसने हमें हैकिंग का बड़ा राज बताया। तो अभी जैसे हम देखेंगे कि सिस्टम पे आप देखेंगे कि एक फेक मेल हम किसी भी आईडी से भेज सकते हैं, किसी भी आईडी से जो हमारा एग्जिस्ट भी नहीं करता उससे हम एक मेल भेजेंगे। आपके आईडी से जैसे सेंड करता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल पंकज शर्मा, ठीक है, जो मेल आएगी ये तो मेरे पास आएगी मेरे आईडी पे। अब मेरे आईडी पे एक मेल आएगी जो आपने शो करेगा आपके आईडी से आई है। आपने अपना ये आईडी तो खोला नहीं था। अभी देखिए दिखा रहा है कि फेक मेल सेंड सक्सेसफुल, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे वेट करते हैं ईमेल का।
आपके आईडी से मेरे पास ये मेल दिखा रहा है, आपने तो मुझे मेल नहीं भेजी। ओके, अगर मैं अपनी मेल आईडी पे चेक करूँ नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, किसी मेल कहीं कहीं पे भी नहीं आ रहा सर। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कंपनियां भी ऐसी चुनौतियों से जूझ रही हैं। फेक मेल अगर आई है तो क्या वो वाकई में फेक मेल है या नहीं है, अगर वो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा तो उसमें दिए हुए लिंक पे शायद वो लॉगिन भी कर ले, और लॉगिन करने से वो अपना जीमेल अकाउंट या अपना याहू अकाउंट का एक्सेस लूज कर सकता है, पासवर्ड खो सकता है या हैक हो जाएगा उसका पासवर्ड। कई बार आपका डेटा चोरी करने के लिए हैकर्स किसी एडवर्टाइजमेंट के बैनर से भी आपके कंप्यूटर में दाखिल हो सकते हैं। हर किसी को लगेगा ना कि कोई 25-30 हज़ार रोज के कैसे कमा सकते हो, चलो यार वो भी घर से काम करेंगे तो इस बैनर पे क्लिक करेगा या इस बैनर पे क्लिक करेगा या इस बैनर पे क्लिक करेगा, तो इन बैनर पे क्लिक करते ही बेसिकली जो वेबसाइट आपको मिलने वाली है वो आपका डेटा स्टोरी कर सकती है। अब देखिए शॉपिफाई फ्लैश हैज क्रैश, मतलब इस वेबसाइट ने मेरे फ्लैश लॉगिन के अंदर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की थी तो क्रैश हो गया। पिछले साल 42 मिलियन लोग इंडिया के अंदर साइबर क्राइम के चंगुल में फंसे हैं। आप भले ही इंटरनेट पर खुद को अकेले समझकर काम कर रहे हो, लेकिन ये भी संभव है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठा शख्स आपके कंप्यूटर में, आपके ब्राउजर में आपकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऐड देखा अपना, ठीक है, ये ऐड हमने यहाँ पे देखा कि कैसे कमाते हैं भाई, एक घंटे में मैं कैसे 6,000 रुपए कमा सकता हूँ, 5-6 हज़ार रुपए। उससे एक फेक वेबसाइट पे आ गया मैं जो इन्होंने कोशिश की है नेटवर्क 18 की कॉपी बनाने की। मैंने आर्टिकल पढ़ा, मेरे को ऑथेंटिक लगा कि ये तो न्यूज़ में आया हुआ है नेटवर्क 18 में, जहाँ हालांकि फेक साइट है। मैंने इस पर लिंक पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक करने के बाद इन्होंने मेरे से मेरी सारी डिटेल्स मांगी और ऊपर देखिए फिर दिखा रहे कि हाँ ये तो न्यूज़ में छपा हुआ है, यहाँ मैं अपनी डिटेल्स डालूंगा और फिर ये आइडेंटिटी थेफ्ट में यूज हो जाएगी। कंप्यूटर में टाइप होने वाले हर टेक्स्ट पर हैकर्स की नज़र। हमें समझ आ चुका था कि किस तरह से इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड लोगों के अकाउंट्स हैक कर लेता है। आपके कंप्यूटर में घुसकर आपके प्राइवेट बैंक अकाउंट का नंबर और पासवर्ड रिकॉर्ड करने का काम बड़े स्तर पर चल रहा है और ये सारी जानकारियां इंटरनेट पर बेची जा रही हैं। इसमें आपका भी बैंक अकाउंट नंबर हो सकता है, यकीन नहीं आता तो जरा खुद देख लीजिए। इंटरनेट के अंडरवर्ल्ड में शामिल एक हैकर ने हमें बताया कि उनकी कम्युनिटी के लोग दुनिया भर में अकाउंट्स को हैक करते हैं और फिर इनकी जानकारियां एक दूसरे को बेचते हैं। उसने हमें ऑनलाइन चैटिंग कम्युनिटी पर भी दिखा दिया कि कितनी आसानी से दूसरों की बैंक डिटेल्स मांगी जा सकती हैं। इन नंबर्स को जरा गौर से देख लीजिए, ये भारतीय अकाउंट्स के नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स जिन्हें हैकर्स हैक कर चुके हैं। इनमें वो तमाम जानकारियां भी मौजूद हैं जिनसे इंटरनेट बैंकिंग ही नहीं बल्कि फर्जी एटीएम कार्ड भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन सवाल था कि क्या इंटरनेट के अंडरवर्ल्ड के पास जो जानकारियां हैं वो सही हैं? इस साइबर एक्सपर्ट ने हमें कोई ट्रांजैक्शन ना करने की शर्त पर एक डेमो भी करके दिखाया। इंटरनेट पर हैकर्स के अंडरवर्ल्ड में मौजूद एक बैंक अकाउंट की डिटेल में से एक बैंक अकाउंट की जानकारी उस हैकर ने इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट पर डाली। चंद सेकंड में ही किसी अनजान यूजर का बैंक खाता खुल गया। आपका डेटा चोरी करने के बाद वो अपने डेटा बेच रहे हैं, जिसको जो भी चाहिए ऑनलाइन वो बेचते हैं किसी को भी। देश के नामी बैंक के किसी खाता धारक के अकाउंट में कितने पैसे हैं, कहां से ट्रांजैक्शन की गई है, ये तमाम जानकारियां उस ऑनलाइन बैंक अकाउंट में दिख रही थी और फंड ट्रांसफर का ऑप्शन भी खुला था। लेकिन हमारा मकसद हैकर्स की सच्चाई जानना भर था, लिहाजा इंटरनेट बैंक के अकाउंट को वापस बंद कर दिया गया। किसी दूसरे के बैंक अकाउंट की जानकारियां चुराना, किसी को बेचना या फिर उनसे कोई ट्रांजैक्शन करना कानूनन अपराध है, लेकिन इस अपराध में काम करने वाले लोगों को पकड़ना भी आसान नहीं है क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग विदेशों से ऑपरेट करते हैं। हैकिंग के अंडरवर्ल्ड में लोगों की व्यक्तिगत जानकारी को देखने के बाद क्राइम फाइल्स की टीम इस तफ्तीश में जुट गई कि आखिर ये अकाउंट नंबर हैक कैसे होते हैं। अगर इंटरनेट पर बैठे लोग आपकी कीबोर्ड पर नजर रख सकते हैं तो क्या बैंकिंग कंपनियों के द्वारा दिया गया नया टच स्क्रीन पासवर्ड एंट्री सिस्टम सेफ है? जवाब आप खुद सुन लीजिए। ये सिर्फ आपकी वो नहीं ट्रैक करता कीवर्ड्स टाइप वाले, वो आपकी क्लिक्स भी ट्रैक करता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्लिक से भी उसे पता लग जाएगा। okay. तो वर्चुअल कीवर्ड्स पहले वाले की लवर्स के लिए ठीक होते थे, पर आज के लिए वो भी ठीक नहीं है।
सिक्योरिटी एजेंसीज भी मानती हैं कि कई बार ऐसे केस सामने आ चुके हैं जिनकी मनी ट्रेल विदेशों में बैठे हैकर्स की ओर इशारा करती है। इस तरह के केसेस भी काफ़ी आए हैं जिसमें बड़े एक्सपोर्टर्स जो फॉरेन कंट्री से उनका मेल पे कम्युनिकेशन चल रहा था, बीच में हैकर्स ने इंटरसेप्ट किया और इंटरसेप्ट करके जो पेमेंट जो है किसी और कंट्री में डाइवर्ट करा लिया। हैकर्स बैंक का ऑनलाइन अकाउंट नहीं बल्कि उसकी जानकारी से दूसरा एटीएम भी तैयार कर सकते हैं जिसके जरिए वो विदेशों में आपका पैसा निकाल सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इंटरनेट के अंडरवर्ल्ड में 1 करोड़ से ज्यादा हैकर्स शामिल हैं। विदेशों में बैठे इंटरनेट हैकर्स के ग्रुप सोशल नेटवर्किंग साइट और चैट रूम का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। वो चैट रूम के जरिए ही आपके कंप्यूटर में दाखिल होकर आपकी सारी आइडेंटिटी चोरी कर सकते हैं। इंटरनेट पर हैकर्स का बड़ा ग्रुप मौजूद है। वो चैटिंग में तरह तरह के लुभावने ऑफर्स देते हैं। कई बार ऐसा करने के लिए ये लोग हनी ट्रैप का भी सहारा लेते हैं। हनी ट्रैप यानी लड़कियों के नाम से प्रोफाइल बनाकर बात करना, और जब आप उनसे चैटिंग करते हैं तो आपके चैट रूम्स में ही वो कुछ ऐसी फाइल्स भेज देते हैं जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल को हैक कर सकती है। जहां आपने उनको कॉन्टेक्ट करा, आपकी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उनके पास सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर या ट्रोजन या स्पाईवेयर होंगे तो कैप्चर, चाहे वो कंप्यूटर से करें चाहे वो एसएमएस के थ्रू करें, सब फेक रहेगा। इसमें कई बार फोन नंबर भी दिखाएंगे आपको, इस नंबर पे कॉल कीजिए, वो इंटरनेशनल नंबर होगा, आप कॉल करेंगे आपके पैसे कट जाएंगे एकदम से। तो कहीं ना कहीं आपको सारी इसी खराब में आता है कि डेटा मिल जाएगी यूजर का। क्राइम फाइल्स की टीम को ये जानकारी मिल चुकी थी कि विदेशों में फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों के कंप्यूटर में स्पाईवेयर और वायरस ही नहीं भेजा जाता, उनसे फॉर्म भरवा कर उनकी असल जानकारियां भी मांग ली जाती है। ऐसा सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं, मोबाइल पर भी खूब चल रहा है। आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन उस फोन पे है, आपकी फोटोग्राफ्स उस फोन पे है, आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स उधर हैं, और फिर उनको वो कल क्रिमिनल्स जो हैं किस तरीके से यूज करें वो फिर आपके और मेरे अभी सोच के बाहर है। मोबाइल हैकिंग, जी हाँ, आपके मोबाइल हैंडसेट पर भी हैकर्स की नजर हो सकती है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी एप्लीकेशंस का उपयोग नहीं कर रहे तब भी आपका डेटा यूज होता रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस समय आपके मोबाइल की सारी जानकारियां उस हैकर्स तक पहुंच रही हो। मोबाइल और सुपरफास्ट इंटरनेट 2G 3G के दौर में हर शख्स ट्विटर फेसबुक ही नहीं दर्जनों सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर दिन रात उंगलियां चलाता रहता है, और इसी चैटिंग के लिए कई बार नए नए फ्री सॉफ्टवेयर ट्राई किए जाते हैं। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि बिना सुरक्षा के मोबाइल इंटरनेट आपके लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। सॉफ्टवेयर है, सिमिलर टेक्नोलॉजी है। अगर ब्लूटूथ तो ब्लूटूथ अगर मैं आपके फोन को कंट्रोल कर सकता हूँ तो डेफिनेटली मैं आपकी इंफॉर्मेशन को भी हैक कर ही पाऊंगा, अगर उसके अंदर वो एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी नहीं होगी। इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में मोबाइल हैकिंग की वारदातें बढ़ चुकी हैं। एंड्रॉइड फोन्स पर हमलों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। हाल ही में पाया गया कि कई बार सॉफ्टवेयर्स के साथ ट्रोजन भी आ जाता है जो मोबाइल की शुरुआत के साथ ही उसमें एक्टिवेट हो जाता है, आपकी जानकारियां बाहर भेजता रहता है। हमें भी एक हैकर ने हमारे मोबाइल की जानकारी होने की बात कही थी, लेकिन उसका सच बताया साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने। जो फोन नंबर यूज कर रहे हैं ये बंदे वो है 4x9111। ये वोडाफोन का कनेक्शन है और कंपनी जो है लावा का मैन्युफैक्चर कंपनी है जो ये फ़ोन यूज़ करती है। बिना फ़ोन मेरे को दिखा है, आप कंफर्म कीजिएगा ये चीज़। और ये आयरिस वर्जन है फ़ोन का। आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब आप चेक कीजिए कि रीसेंट मैसेजेस में जाके देखिए, जो सबसे रीसेंट मैसेज अभी आपके पास आएगा वो, और जो कॉल अभी सबसे पहले एक बार आप कॉल देखिए, कॉल आपके पास JDJCA नाम से सबसे रीसेंट कॉल है, इस नाम से कॉन्टैक्ट सेव्ड है। इसी नंबर, इसी से कॉल आई है आपको। अच्छा, मोबाइल से ईमेल ही नहीं, मोबाइल के मैसेजिंग, कॉल रजिस्टर समेत तमाम चीजें हैकर्स चुरा सकते हैं। तार तिमली नाम से आ रहा है। खुलासा हैरान करने वाला है, लेकिन इंटरनेट के अंडरवर्ल्ड के खिलाड़ी इसे आराम से अंजाम दे सकते हैं। जब आपका मोबाइल फोन भी हैक है और आपका आपका कंप्यूटर भी हैक है, तो कंप्यूटर हैक करने के बाद जब भी आप कोई वेबसाइट खोलेंगे अपने बैंक की और उस पर अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे तो वो तो नेचुरली मुझे मिल ही गया। जब वो वेरिफिकेशन SMS आपके सेलफोन पे जाता है, मैं उसे भी हैक कर सकता हूँ और उसे भी चेक कर सकता हूँ। इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड किस तरह से छोटे यूजर से नहीं बल्कि बड़े बैंकों
और मोबाइल कंपनियों को भी लूट चुका है। इनसे कैसे बचा जाए ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक। प्रायोजक